शरियार भाई, मंसूर खान का जो वीडियो आपको मैंने भेजा था, आपने देखा है? जी हाँ। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? उसमें वीडियो में गौर से देख रहा था, वो कुछ अपने हालात के बारे में बोल रहे थे, हेल्थ के बारे में, जी, विच इज अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात ये बोल रहे थे कि मैं आके 24 आवर्स में पुलिस और अथॉरिटी से जुडिशरी के साथ कोऑपरेट करके फैसिलिटेट करके प्रॉप में रिकवर करने की और जो भी पैसे हैं वापस देने की बात कर रहे थे। जी। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ की, उनका जहां तक हेल्थ का है उनके साथ सिंपथाइज करते हुए ये मैं बोलना चाहता हूँ। फरहान साहब, आप जानते हैं कितने लोग हमारे सामने आके बात करें, आई इन इन्वेस्टर्स जिनको टर्मिनल कैंसर है, कुछ लोगों का एक्सीडेंट होके अपाच हो गए, वो एक्सीडेंट क्लेम्स के पैसे भी वो आईएमए में डाले हैं, ये सब उनको देखे तो इनसे भी ज्यादा सुनप्रति उनके ऊपर आती है मुझे। दूसरा इनका ये है, मतलब आप ये बोल रहे हैं विक्टिम के पास मंसूर से ज्यादा प्रॉब्लम, ये जो अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं उससे भी कहीं गुना ज्यादा, कहीं कहीं गुना ज्यादा विक्टिम्स लाचार लोग हैं जो सफर हो रहे हैं और इनका इंतजार कर रहे हैं। अगर ये आ गए तो ये तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके हाथ से बाजी निकल चुकी। आप ये लोग ये आके जो पुलिस जो एसआईटी है और जुडिशरी जो है उनके साथ कोऑपरेट करके इनके क्या क्या एसेट्स हैं वो देखना। ऑलरेडी एसआईटी बोल के है कि 300 करोड़ के एसेट्स रिकवर हुए बोल के। दूसरा जो इनके खुफिया फ्लैट्स हैं, अब वो फ्लैट्स में भी अब क्या करें मालूम है ना, ये रेंट को दे के नहीं है, मॉर्गेज करके 40 लाख 50 लाख ले ले उनके पास, लीज पे दिए हैं। जी, लीज पे दिए हैं, हाँ, उसको मॉर्गेज कहते हैं। वो पैसे भी, वो जो लोग पैसे दे हैं वो भी क्लेम करेंगे अभी क्योंकि उनके पास पैसे ले है ना। जी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी बात इनकी ये है कि कौन कौन पैसे लिया है और वो किस किस की तरफ उंगली उठाएंगे उनकी तो शामत आई, क्योंकि उन लोगों को ये भी है कि मंसूर खान को प्रूव करना पड़ेगा, वो लोग तो डिनाई भी कर सकते हैं कि हम कुछ लिए ही नहीं, लेकिन उनके उनके पर्सनल कैरेक्टर पे, उनके करियर पे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि लोग अगर प्रूफ नहीं है तो वो कोर्ट की बात है, लेकिन लोग तो सस्पिशियस देखेंगे उन लोगों को। तो आपको क्या लगता है इनके आने से जो इन्वेस्टर हैं उनको कुछ फायदा होने वाला लगता है क्या? फायदा ये प्रोब को फैसिलिटेट कर सकते हैं फरहान साहब, दूसरा क्या मैं नहीं दे सकता। दूसरा ऑलरेडी जो एसआईटी रिकवर करी है प्रॉपर्टीज, उसके बाद अगर इनके पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी है उसके प्रूफ है तो फायदा हो सकता है। समझो इनके साले के नाम पे, इनके बीवियां भी थे ना, तो उनके नाम पे कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज रखे हैं, उसके ऊपर भी अगर रिवील कर दें कि देखो बेनामी प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली फायदा हो सकता है। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि जो चीज अभी तक एसआईटी के सामने नहीं आई है, ठीक है ना, जी हाँ, वो अगर आके ये बता देते हैं तो वही एक चीज की बेनिफिट हो सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बेनिफिट होती है, दूसरा इनको अबेटमेंट ऑफ क्राइम में ये तो अंदर ही जाएंगे क्योंकि बेनामी एक क्राइम है, ऑफेंस है। दूसरा ये जो बोल रहे हैं कि मैं जिस चीज को ब्राइब दिया, ब्राइब आप जानते हैं ना फरहान साहब, ब्राइब देना भी गुनाह है, लेना भी गुनाह है, क्राइम है। जी, जी। तो ये हर तरह से इनको तो मुसीबत है ही। दूसरा है, हाँ, इन्वेस्टर्स को एक डेफिनेटली अगर ये वो बेनामी प्रॉपर्टीज ये वो दिए जो भी देके हैं इन उसके थ्रू रिवील करे विद डॉक्यूमेंट्स, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को और थोड़ा ज्यादा पैसा रिकवर होके उनको उनको दे सकते हैं, डेफिनेटली प्रोब को फैसिलिटेट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अ लिंचपिन ना, ही इज अ क्रक्स। हाँ, क्योंकि इनको पता है कि अगर बेनामी है भी तो पैसे कहाँ रखे गए हैं, कहाँ नहीं, ये सारा खुलासा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली प्रोब को हेल्प होगा। हाँ, तो अब बात ये कि अपने वर्ड पे अगर ये रहें और ये 24 घंटे में आ जाए तभी। देखो फरहान साहब, ये इनका जो इनको जो इनके वीडियो में जो सिंपथी के बार बार अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे ना, जी जी, मुझे मैं आपको हकीकत से बोलता हूँ, मैं आपको ट्रूथफुली बोलूंगा, मैं इतने इन्वेस्टर्स को मिला हूँ कि मेरे आई कांट अंडरस्टैंड एंड आई हैव नो जो सिंपथी कहाँ की है, छोड़ो कह के वाह बोल के उतना ना हो को, और इतने लोगों को मैं देखा हूँ इन्वेस्टर्स को जिनको देखे मैं रोया भी हूँ, उनकी हालात फुटपाथ पे आ गए वो लोग। अब ये वीडियो जो रिलीज कर रहे हैं, अब इसके वॉक द टॉक बोलते ना, अब इमीडिएटली 24 आवर्स में हाजिर होना, और इन्हों एक बोल रहे थे मुझे डर है, पर डर का नहीं, मैं आपको आपके आपके चैनल में आपके आपको अश्योर कर रहा हूँ, हमारी तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंडिया में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर ये फ्लाइट इमीडिएटली फ्लाइट डिटेल्स 24 आवर्स बोले तो
फ्लाइट डिटेल्स भी रिलीज करना था ये, कि हाँ वो नहीं करे, फ्लाइट डिटेल्स रिवील करके मैं देखो मेरे फ्लाइट डिटेल्स है, वो भी बोले ना टिकट भी मेरा रेडी है बोल के, वो फ्लाइट डिटेल्स ही रिवील करना था, वो नहीं करके भी गलती करे वो. टिल ही कम्स बैक वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ही इज ऑलरेडी इन टच विद द कमिश्नर एंड और कमिश्नर को बोल के वो आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको उम्मीद है? मुझे एक इन्फॉर्मेशन था जब ये उड़ गए हैं हमसे, उससे पहले भी अलोक कुमार इनको क्वेश्चन किए थे अलोंग विद सम ऑफिसर्स, आईटी के ऑफिसर्स ऐसा मैं सुना. तो इनको एक खास ट्रस्ट है पुलिस कमिश्नर के ऊपर, विच इज वेरी वेलकम, विच इज वेरी गुड. और हो सकता है आप जो बोल रहे हैं उनका अंदाजा सही हो सकता है कि पर्सनली अलोक कुमार साहब को जो सीपी है उनको बात करके कुछ अरेंजमेंट हुआ होगा, वो अलोक कुमार साहब आंसर कर सकते हैं ऐसा कुछ है तो. आपको याद होगा वो सांगलियाने के टाइम पर भी थोड़ा हर चीज अंडर द ब्लैंकेट रख के उसको पकड़ के लाए थे, जब तक वो नहीं आया था मालूम नहीं हुआ था. तो मुझे ये बोलना मुश्किल है कि पुलिस वहां टीम पहुंची है लाने के लिए या वो वॉलंटरली ही इज कमिंग बैक, दैट इज डिफिकल्ट टू से अनलेस ही कम्स बैक, वी डोंट नो. ठीक है, तो अब यही है कि अब 24 घंटा इंतजार करते हैं, देखते हैं आने के बाद क्या फायदा होता है. हाँ, फायदा तो होगा, उनके आने से फायदा तो होगा फरहान सर. जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरियर भाई रोशनी डालने के लिए. थैंक यू.